हेलो दोस्तों, स्टडी कोप यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम संविधान का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में प्रस्तावना चैप्टर है उसका अध्ययन किया था। आज हमारा चैप्टर रहेगा अनुसूचियां। अनुसूचियां भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो दोस्तों, मूल रूप से भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से या मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। तो दोस्तों, आपके लिए यहां 2 सवाल तैयार हो गए हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। आज हम इन 12 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे कि कौन सी अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया गया है। तो चलिए देखते हैं, पहली अनुसूची, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची। इस पहली अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम इन्हें याद करेंगे आगे चलकर। तो आपको यहां राज्य व केंद्र शासित प्रदेश नाम याद रखना है। फिर हम चलेंगे दूसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया गया है। फिर तीसरी अनुसूची में इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। ये 3 हमें एक साथ याद करेंगे। तो पहली अनुसूची में आपको याद रखना पड़ेगा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद दूसरी में आप याद रखोगे वेतन, और तीसरी में याद रखोगे शपथ। देखो याद कैसे करेंगे, आप कर रहे हो सब लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ठीक है। आप किसी ना किसी राज्य की सरकार में नौकरी जो है आपको मिलेगी, तो आपको याद रखना है कि पहले मैं किसी राज्य सरकार में नौकरी लगूंगा, तो आपको पहली अनुसूची में राज्य याद रखना है। नौकरी कहां लगोगे? राज्य सरकार में, ठीक है। राज्य सरकार में नौकरी लगोगे तो आप अपनी पोस्ट का सबसे पहले क्या देखोगे? वेतन, कि वेतन कितना है मेरी पोस्ट का। तो राज्य में नौकरी लगने के बाद आप क्या देखोगे? सबसे पहले वेतन देखोगे, और वेतन देखने के बाद आप उस पोस्ट पे काम करने जाओगे तो आपको उस पोस्ट की शपथ लेनी पड़ेगी कि पहले हम राज्य में नौकरी लगेंगे, फिर उसका वेतन देखेंगे कि हमारा वेतन कितना होगा उस पोस्ट का, और उसके बाद हम उस काम को समझेंगे या उसकी शपथ लेंगे। तो 3 अनुसूचियां आपको याद रखनी चाहिए। पहली में क्या कि आप किसी राज्य सरकार में नौकरी लगोगे तो राज्य याद रखना चाहिए पहले में, फिर उस पोस्ट का हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वेतन कितना है। तो दूसरी में आपको याद रखना है कि वेतन, मेरा वेतन कितना होगा, ठीक है। वेतन भी मुझे पता चल गया कि मेरी पोस्ट का वेतन इतना होना है, उसके बाद मुझे उस काम को समझना होगा, मुझे उस काम की शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं इसे करूंगा। तो ये 3 अनुसूची में आपको शपथ याद रखनी है, ठीक है। फिर चलते हैं 4 अनुसूची में। चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन कि प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा की कितनी सीटें अलॉट की गई है। जैसे अपने राजस्थान में यदि आपको सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राजस्थान से राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा से प्राप्त हुई सीटें जो है उनका इस 4 अनुसूची में वर्णन किया गया है। तो 4 अनुसूची में आपको याद रखना है राज्यसभा शब्द को याद रखना है, ठीक। तो पहले में आप याद रखोगे राज्य में नौकरी लगूंगा, उसका वेतन देखना है, फिर उस काम को समझूंगा यानी शपथ लूंगा, और फिर अगली अनुसूची में आपको याद रखना पड़ेगा राज्यसभा। इसके बाद देखते हैं 5वीं अनुसूची। पांचवी और छठवी ये दोनों अनुसूचियां आपको एक साथ याद रखनी है।
पांचवी और छठवीं, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति वह जनजाति के प्रशासनिक जो उपबंध है, प्रशासनिक पर इनके नियंत्रण से संबंधित जो उपबंध है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो पांचवी में मैंने लिखा अनुसूचित जाति व जनजाति, बस इतना ही काफी है। छठवीं अनुसूची में मैं चार राज्य लिखूंगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, ये चार राज्य लिखूंगा। और यहां से इस जनजाति शब्द को उठाकर आपको इसमें आगे लिख देना है। तो देखो दोस्तों, पांचवी और छठवीं ये जो दो अनुसूचियां हैं इन दोनों में सिमिलर सा है, आपको थोड़ा सा फर्क है लेकिन सिमिलर करके आपको याद करना है। इसमें लिखा है अनुसूचित जाति व जनजाति के संबंध में उपबंध किए गए हैं, लेकिन छठवीं अनुसूची है इसमें इन चार राज्यों में विशेष रूप से जो इन चार राज्यों में है वो जनजाति के बारे में, नियंत्रण के बारे में या इनके प्रशासन के बारे में उपबंध किया हुआ है। तो देखो दोनों में मेन फर्क इन चार राज्यों का है। इसके बाद इधर जनजाति आ रही है, इधर भी जनजाति आ रही है। तो हमें यहाँ पांचवी में तो याद रखना है अनुसूचित जाति व जनजाति, ठीक है। छठवीं में हमें मुख्य रूप से जो सवाल पूछा जाता है, ये चार राज्य पूछे जाते हैं, इनमें से गड़बड़ क्या होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसमें हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसका उल्लेख छठवीं अनुसूची में नहीं है। तो मेघालय मिजोरम इनमें कंफ्यूज होकर हम यहाँ मणिपुर को और शामिल कर देते हैं या इनमें से किसी राज्य को आउट कर देते हैं। तो आपको पांचवी में तो अनुसूचित जाति जनजाति याद रखना है, लेकिन छठवीं अनुसूची में आपको ये चार राज्य याद रखने हैं और फिर जनजाति आपको याद रह जाएगा कि पांचवी और छठवीं सेम सी है, चार राज्य याद रखने हैं। तो चार राज्य कैसे याद करें, देखो असम से मैं मान सकता हूं आसमान शब्द, असम से आसमान सोच सकता हूं, ठीक है। और मेघालय से मैं मेघ निकाल सकता हूं, तो मेघ, मेघ यानी क्या होते हैं बादल, बादल कहां छाते हैं आसमान में छाते हैं, ठीक। तो बादल कहां छाएंगे आसमान में, किसके आसमान में, असम के आसमान में। लेकिन हम जानते हैं कि जो आम के पेड़ वगैरह होते हैं इनमें फल लगने से पहले क्या आती है, निजर आती है, और उसके लिए भी बारिश जरूरी होती है। तो हम याद रखेंगे कि असम के आसमान में मेघ छाए, लेकिन मिजर, मिजोरम से मिजर शब्द निकाल सकते हैं, लेकिन मिजर कहाँ के पेड़ों पे आई, त्रिपुरा के पेड़ों पे आई। तो ये चार राज्य याद रखने हैं, पांचवी में अनुसूचित जाति व जनजाति, छठवीं में सेम जनजाति, लेकिन चार राज्य अलग से याद रखने हैं। चार राज्य कौन से, असम के आसमान में बाद मेघ छाए, तो असम और मेघ, असम का असम हो जाएगा, मेघ से मेघालय बन जाए। मिजर कहाँ आई, ये गड़बड़ हो गई, आसमान में मतलब बादल तो आए असम के आसमान में, लेकिन मिजर छाई उसका असर कहाँ हुआ, त्रिपुरा में। तो असम के आसमान में मेघ छाए, मिजर आई त्रिपुरा के पेड़ों पे, त्रिपुरा में पेड़ों पे। तो ये पांचवी और छठवीं आपको याद हो जानी चाहिए। इसके बाद हम अगली अनुसूची में चलते हैं, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, और सातवीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, सातवीं अनुसूची में सूची का उल्लेख है, और कितनी सूचियां हैं भारतीय संविधान में, तीन सूचियां हैं। तो सातवीं में किसका उल्लेख है, सूचियों का। जैसे यहां तीन सूचियां हैं और वो तीन सूचियां कौन कौन सी है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची, ये तीन सूचियों का उल्लेख इस सातवीं अनुसूची में किया गया है। तो आपको छठवीं तक तो याद है, सातवीं अनुसूची में पूछेगी सातवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है। तो देखो मैंने सात यहां ऐसे लिखा है और आगे ऐसे लिख दिया है सूची, तो आपको सीक्वेंस दिखा लेनी है। सात में सूची पूछे, सात में क्या, सात में सूची, सात में सूची, और सूचियां है कितनी, तीन सूचियां है। देखो संघ सूची जिसे केंद्र सूची भी कहा जाता है, राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। अब देखो ये जो है राज्य और केंद्र के बीच, अपने राज्य और केंद्र के बीच जो शक्ति विभाजन है, विभिन्न विषयों पे शक्ति विभाजन है, इस शक्ति विभाजन को बांटा गया है यहाँ की कुछ विषय केंद्र को सौंप दिए, कुछ राज्य को सौंप दिए, और बाकी जो कुछ है वो समवर्ती सूची में सौंप दिए। ऐसे मान लो कि ये संघ है और ये राज्य, ये दोनों दो भाई है और ये एक तीसरी जो है ये छोटी बहन है। अब इसमें क्या होता है, संघ किसी राज्य किसी विषय के लिए कहता है कि ये विषय मैं लूंगा, राज्य कहता है कि ये विषय मैं लूंगा,
तो दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो इन दोनों की लड़ाई के निपटारे के लिए क्या कहते हैं कि भाई तुम दोनों रहने दो, ये छोटी बहन बीच में आके बोलती है कि ये विषय तुम लड़ रहे हो तो ये विषय मुझे दे दो। तो यहाँ है संघ सूची, यहाँ राज्य सूची और यहाँ समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी, केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची में ऐसे विषय है जिन पर कानून सिर्फ राज्य सरकारें बनाएगी, लेकिन समवर्ती सूची इसमें ये छोटी बहन मान ली है हमने इसको, तो ये छोटी बहन है तो छोटी बहन पे तो दोनों का अधिकार होगा। तो जब ये है समवर्ती सूची, इस पर मतलब छोटी बहन ना कि दोनों को मान देगी, मतलब इसमें दोनों भाग ले सकते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर विषय जो कानून है राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी, मतलब दोनों मिलकर इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का काम राज्य व केंद्र दोनों मिलकर करेंगे। अब देखो संघ सूची, और इसमें संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इस संघ सूची में 98 विषय है। इसके बाद अब जो 97 विषय थे इसमें से एक विषय को हमने डिलीट कर लिया, तो डिलीट करने के बाद इसमें विषय जो 96 हो गए थे, इसके बाद 92A और 92B, इन दो विषयों का नया सर्जन किया, तो 96 में जोड़ने पर दो फिर से 98 हो गए। इसके बाद जो राज्य सूची है इसमें राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, मूल रूप से 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय है। तो मूल रूप से 66 थे, वर्तमान में 61 है। यहां समवर्ती सूची में मूल रूप से जो थे वो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय है। ये जो है यहां 66 से 61 हुए और 47 से 52 हुए, ये प्रभाव जो था वो आया 42वां संविधान संशोधन 1976 के कारण। यहां हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पांच विषय जिनमें शिक्षा, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण, बाट व माप तोल, तथा न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, ये पांच विषय है जिनमें शिक्षा, वन, वन्य जीव व पक्षी संरक्षण, बाट व माप तोल तथा न्यायिक प्रशासन, ये पांच विषय हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची से हटाकर किसमें जोड़ दिए, समवर्ती सूची में। तो राज्य सूची से हमने 66 से कितने विषय, पांच विषय हटाए, तो 61 विषय वर्तमान में रह गए, और समवर्ती सूची में ये पांच विषय हमने जोड़ दिए, तो 47 में पांच जोड़े तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हो गए, 52 विषय हो गए। तो ये तीन सूचियां हैं जिनमें हमें पूछा जाता है कि ये सात जो अभी तक अनुसूचियां हमने पढ़ी है इनमें वापस से हम रिपीट करते हैं। पहली अनुसूची में पूछा कि पहली अनुसूची में क्या है, तो आपको बताया कि आपको राज्य सरकार में नौकरी लगे, आप चाहे तो राजस्थान पुलिस में लगे या फिर अभी वर्तमान में जो पटवारी चल रही है इसमें लगे। तो वर्तमान में चल रही भर्तियों में हम नौकरी लगते हैं तो राज्य सरकार में लगे, तो पहली अनुसूची क्या कहती है, राज्य। दूसरी में हम लग तो गए, चलो पटवारी या राजस्थान पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन हो गया, आप मेहनत करोगे तो पक्का होगा। तो पहली में आपको याद रखना है राज्य। फिर दूसरी में लगते हैं हम, देखेंगे कि यार राजस्थान पुलिस में वेतन कितना है या पटवारी में वेतन कितना है, तो वेतन आएगा, तो पहली में राज्य, दूसरी में वेतन, तीसरी में जब वेतन मिलेगा तो वेतन क्यों मिलेगा, क्योंकि आप काम करोगे और काम को आपको सीखना पड़ेगा, उसकी शपथ लेनी पड़ेगी, तो तीसरी में शपथ होगी। चौथी में आपको राज्यसभा नाम याद रखना था। पांचवी जो थी उसमें आपको अनुसूचित जाति व जनजाति याद रखना था। छठवीं अनुसूची थी इसमें चार राज्य याद रखने थे, पांचवी और छठवी हमने साथ में याद करी थी, तो पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति है, छठवीं में हमें फिर से जनजाति लाना है, लेकिन चार राज्यों के साथ। असम के आसमान में मेघ छाए, तो किसके आसमान में, असम, और क्या छाए, मेघ छाए, मतलब मेघालय। तीसरा राज्य मिजर, मिजर से मिजोरम, कहां आई मिजर, त्रिपुरा में आई मिजर, तो ये चार राज्य हो गए। सात, सात को हमने सात लिखा, सात सूची, क्या सात सूची, सात सूची मतलब सातवीं अनुसूची में सूचियों का वर्णन है, कितनी सूचियां हैं, तीन सूचियां हैं। तीन सूचियां कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, बड़ा भाई केंद्र, छोटा भाई राज्य और छोटी बहन समवर्ती, ठीक है। तो इसमें जो पहली अनुसूची थी, सॉरी जो ये
संघ सूची थी, केंद्र सूची, इसमें विषय पूछे तो मूल रूप से 97 थे, एक बढ़ा देना है, वर्तमान में कितने हैं 98। दूसरी सूची कौन सी थी? राज्य सूची थी। राज्य सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं? 61। क्यों 61? क्योंकि 5 विषय हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए इसमें से, तो 66 से 61 हो गए। और वो 5 विषय जुड़े कहां? हमने जोड़े समवर्ती सूची में, तो 52 है अभी वर्तमान में, 5 जोड़े थे तो मूल रूप से कितने 47। ये 7 सूचियों का, अनुसूचियों का हमने अध्ययन किया है। ये 5 विषय थे जो हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य से निकाल के समवर्ती सूची में डाले। अब देखो कई बार क्या होता है, छोटे से रूप में आपको बताता हूं कि कोई विषय हमें दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी सूची का विषय है, केंद्र सूची का है या राज्य सूची का है या समवर्ती सूची का। तो जैसे मैं उदाहरण स्वरूप लेता हूं, जैसे मैं रेलवे लेता हूं कि रेलवे जो है ये राज्य सूची का है, संघ सूची का है या समवर्ती सूची का है। तो आपको यहां जब रेलवे मैंने लिया है उदाहरण स्वरूप, तो रेलवे के आप पहले राज्यों का नाम जोड़िए, जैसे राजस्थान रेलवे, बिहार रेलवे, यूपी रेलवे। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना। हमने तो क्या सुना है? हमने तो भारतीय रेलवे सुना है। तो यहां भारतीय रेलवे सुना है हमने, और जब आपने भारतीय रेलवे सुना है तो भारत क्या है? केंद्र है। तो अर्थात रेलवे जो है ये कौन सी सूची का विषय हो गया? संघ सूची का। फिर जैसे मैं उदाहरण स्वरूप पुलिस लेता हूं, पुलिस, तो आपने क्या सुना है? भारतीय पुलिस। जी नहीं, हमने ऐसा नहीं सुना। हमने क्या सुना है? राजस्थान पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ऐसे सुना है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली भी एक राज्य है केंद्र शासित प्रदेश, तो दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, ये राज्य सुना है। तो राज्य नाम जोड़ेंगे इसके आगे, तो पुलिस के आगे राज्य नाम जोड़ रहे हो आप, राज्य का नाम आपने उचित सुना है, तो पुलिस किसका विषय हो गया? राज्य का विषय हो गया। ठीक है, ऐसे करके फिर जैसे मैं शिक्षा और उदाहरण में ले लेता हूं कि शिक्षा, शिक्षा किस विषय का होगा? तो आपने ऐसा सुना है राजस्थानी शिक्षा, बिहारी शिक्षा, ऐसे। तो मतलब हम देखते हैं, ऐसा तो नहीं सुना है लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान में भी बोर्ड बना हुआ है एजुकेशन का, राजस्थान शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और जो CBSE है वो अपने सेंट्रल लेवल पे चलता है। तो हम देख रहे हैं कि सेंट्रल लेवल केंद्र का एक शिक्षा का अलग सिस्टम है, वो भी चल रहा है राज्यों में, और इसके साथ ही राज्य की शिक्षा जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान का भी चल रहा है, अर्थात दोनों का चल रहा है। इसमें राज्य भी सहयोग कर रहा है, राज्य का भी काम है, और इसके साथ किसका है? केंद्र का भी। तो शिक्षा जो है ये कौन सी विषय का है, कौन सी का हो जाएगा, कौन सी सूची का? समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इन तीनों सूचियों में फर्क भी कर सकते हो कि कौन सा विषय कौन सी सूची का है। ठीक, और यहां तक हमने देखिए 7वीं अनुसूची के बारे में। अब हम आगे देखते हैं 8वीं से लेके 12वीं अनुसूची। तो आपको देखो 8वीं अनुसूची देखते हैं, आठवीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आठवीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख, कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं। ठीक, आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। तो देखो आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, 7 सूची 8 भाषा, तो 7 सूची 8 भाषा। जैसे 7 सूची 8 भाषा ऐसे करके याद करना है। तो 7वीं में क्या होगी? 7वीं में सूची होगी, कितनी सूचियां? 3 सूचियां। और 8 भाषा का मतलब 8वीं में क्या होगी? 8वीं में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखो दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में जो मूल रूप से मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? वर्तमान में ये 14 से बढ़कर संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो मूल रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। लेकिन यदि पूछे कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो वर्तमान में कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अब देखो, हमें यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये है कि 14 के बाद हमने 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी? तो 15वीं जो भाषा थी वो हमारी सिंधी थी। 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा थी, जिसे हमने 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान की इस अनुसूची में शामिल किया है। तो 15वीं भाषा पूछे आपसे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी, तो वो थी सिंधी। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी? तो 21वें संविधान संशोधन
1967 के द्वारा हमने 15वीं भाषा शामिल की, फिर हमने 16वीं 17वीं व 18वीं भाषा जो है ये तीनों एक साथ शामिल करी थी और वो थी भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल करी हमने, तो ये 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा हमने ये शामिल करी है। अब देखो यहां से क्रम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्रम भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की 17वीं भाषा का बताइए, 17वीं भाषा कौन सी है, तो आप यदि यहां ऐसे कुछ भी याद रखते हो अपने क्रम के हिसाब से उलट उलट करके तो ये गलत होगा। आपको क्रम याद रखना है और क्रम में आपको याद करवाऊंगा, आपको ये याद रखना है कि 1-14 के बाद में एक जोड़ी, ठीक है, 1 के बाद में 15 होगी, 15 के बाद में हमने 3 जोड़ी, अब वो 3 ये रही, 3 कैसे याद रखनी है। देखो यहां से मैं नेपाली से न हटाता हूं, यहां मणिपुरी से मैं लूंगा, कोंकणी से कै, तो मैंने यहां नाम बढ़ाया नमक, नमक से आपको याद रखना है कि पहले 15 की तो सिंधी थी, ठीक है, 16, 17, 18 ये नमक थी, नमक मतलब न से तो नेपाली, म से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। देखो दोस्तों हमें क्रम भी याद रह गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे 19, 20, 21 और 22 ये चार भाषाएं हमने एक साथ शामिल करी थी, और ये चार भाषाएं कौन सी थी, ये चार भाषाएं थी मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। और ये जो था अपना संविधान संशोधन था 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके द्वारा हमने ये चार भाषाएं शामिल करी थी। अब यहां भी आपको क्रम रखना याद रखना पड़ेगा, क्रम पूछ लिया जाता है कि 22वीं भाषा कौन सी थी, तो आपको डोगरी बोलना पड़ेगा, 19वीं कौन सी थी, तो मैथिली बोलना पड़ेगा। अब यहां गड़बड़ हो जाती है, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि वो ऐसे बोलते हैं बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये क्रम गलत है, जबकि आपको याद रखना है मैथिली संथाली बोडो और डोगरी। याद कैसे रखेंगे ये मैं करवाऊंगा आपको याद। देखो आपको 14 तो मूल रूप से थी, 15वीं पे हमने एक भाषा जोड़ी सिंधी, 16, 17, 18 हमने नमक जोड़ी साथ में, ठीक। अब इसके बाद 19, 20, 21, 22 तो देखो दोस्तों हमारे यहां थोड़ी मुझे मारवाड़ी यूज करनी पड़ेगी, अपना ठेके हुए कि अभी जो सर्दी चल रही है सियाड़ो चल रही है, सियाड़ा मापा लड्डू खावा गोंद का लड्डू, ठीक, अपने घर पे क्या है दादी है, अब दादी को क्या होता है गोंद का लड्डू तो हम खिलाते नहीं है, क्यों, क्योंकि गोंद के लड्डू से ज्यादा नहीं, उनको बुढ़िया शरीर है तो उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए मेथी के लड्डू, तो हम क्या करते हैं उन्हें मेथी के लड्डू खिलाते हैं सर्दी में। तो जब मेथी के लड्डू खिलाते हैं तो देखो अपने जैसे कोई घर पे आया, ठीक है, जैसे बुआ जी वगैरह आ गई, तो बुआ जी वगैरह आती क्या बोलती है कि अगली बार तो दादी शिट रही है, लेकिन जब यदि दादी थोड़ी हष्ट पुष्ट हो तो वो क्या कहती है, आजकल तो अब तो दादी वही सटी हो रही है, सटी हो रही है, ये नाम याद रखना है, ठीक है। अब देखो दादी ने घनश्याम का था मेथी का लड्डू, और मेथी का लड्डू गाल के सटी कर दिशा, आई अपन याद करा देशी कौन सी 19, 20 और 21वीं भाषा। देखो मेथिली से मैं कह सकूं कि मेथी का लड्डू, ठीक है, मेथी 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 आ रही है, ठीक है, मेथी का लड्डू खाके सठी होगी, सठी मतलब सठी होगी, मेथी का लड्डू खाके सठी होगी कुण बुढ़ी डोगरी, ठीक है, तो मेथी का लड्डू खाके कुण सठी होगी बुढ़ी डोगरी सठी होगी। और वही था क्रम याद रखिए 19, 20 और 21 और 22 मेथी, ठीक है, क्यों यार मेथी का लड्डू खाके क्या हुई सठी हुई, तो आओगी 20वीं, ठीक है, कुण हुई बुढ़ी, ठीक है, आओगी 21 और डोगरी, डोगरी, ठीक है, यह होगी 22। तो 19, 20, 21 और 22 मेथी का लड्डू खाके सठी होगी बुढ़ी डोगरी, यह तो हो गया देखो क्रम, ठीक है। तो हमें 22 भाषा पूरी याद हो चुकी है, 15वीं हमने जोड़ी सिंधी भाषा, 16, 17, 18 पे हमने नमक लिया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक, 19, 20, 21, 22 पे हमने मेथी का लड्डू खाके सठी होगी बुढ़ी डोगरी, ये नाम याद किया, ये किससे याद किया, तो ये 19, 20, 21, 22 होगी, ठीक। अब आपको देखो ये संविधान संशोधन भी याद रखना पड़ेगा, यहां 21 67 करना है, 21 67
19 को छोड़ दो, आपको पता है ना तो 1800 में जाने वाले, ठीक, क्योंकि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, और ना हम 2000 के आगे जाने वाले क्योंकि 2067 अभी आया नहीं है। तो आप ये 19 को छोड़ो, 67 याद रखो, 2167 ठीक है, 71-72 में 19 अपने आप आ जाएगा, 1992 ही होगा, ये आपको पता है। तो 2167 71-72 ठीक है। और अब एक चीज और देखो, ये यहां आपने 92 लिया, यदि याद नहीं रहता है कि 71-72 करूं या क्या करूं, तो देखो 71 तो आपको 21 और 2167 तो याद रह जाएगा, इसके बाद 21 के बाद एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, तो 21 से आपको सीधा आना है 71 पे, और जब आप 71 पे आ जाते हो तो आगे कुछ याद नहीं रखना है। इस 71 में इस पहले वाले को जोड़ दो, कितना आएगा 92 आएगा, 71 हो जाएगा कहां 92 में, फिर इसी 92 को कहां ला दो, इन चार भाषाओं में नीचे ला दो, ठीक है। 71-92 के बाद आपको सिर्फ 3 याद रखना है, ठीक है, 92 में आपको 3 रखना है, ठीक। तो ये सारी हमें क्या होगी, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, 7 सूची 8 भाषा, तो 7 में तो सूचियां होगी 3, 8 में क्या होगी, भाषा होगी। कितनी भाषा मूल रूप से, मूल रूप से 14, बाकी अभी वर्तमान में कितनी 22, 15वीं कौन सी सिंधी, 21 67, 16 17 18 नमक 7 में जोड़ी, 71-92 ठीक है। मिर्ची का लड्डू खके सकी होगी बुटी डोगरी, ये 19 20 21 22 कब जोड़ी, 92 को वापस नीचे ले आओ और 3 आगे लगा दो, तो 3 2003, ये हमारी होगी 8वीं अनुसूची की भाषाएं। तो ये मूल रूप से जो 8 अनुसूचियां थी हमारी संविधान में, उनका अध्ययन हमने किया। अब इसके बाद हमें चलना है 9 10 11 12, जो हमने बाद में जोड़ी है 4 अनुसूचियां, मूल रूप से 8 थी, 8ों का अध्ययन हमने कर चुके, ठीक। अब देखेंगे 9 से लेके 12 तक, जिनको हमने विभिन्न संशोधनों द्वारा बाद में जोड़ा है। तो अब हम देखते हैं 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची जो है, इसमें भूमि सुधार कानून का उल्लेख किया गया है, किस चीज का, भूमि सुधार, ठीक है। अब ये जो 9वीं अनुसूची थी हमने बाद में जोड़ी थी, बाद में कब जोड़ी ये 9वीं अनुसूची हमने, ये पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट जो अमेंडमेंट था अपने संविधान का, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हमने शामिल की थी। देखो दोस्तों 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार, याद कैसे करना है, लोग हम करते हैं जैसे कोई डेथ होती है, हम क्या करते हैं सिधारना बोलते हैं ना, स्वर्ग सिधार गए, लेकिन अब 9वीं अनुसूची में अपन को याद रखना है 9 आदमी स्वर्ग सिधार गए, नहीं 9 आदमी भूमि सुधार गए, ठीक है। तो भूमि सुधार कितने गए, 9 आदमी, मतलब 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। अब देखो 8 मूल थी, हम जोड़ रहे हैं 9वीं, मतलब जोड़ने के क्रम में पहली है 9वीं, तो जोड़ने के क्रम में पहली है, तो पहली को पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ देंगे, ठीक है। और कब जोड़ी, देखो इधर भी एक ही आ रहा है, तो 1951 में, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान संशोधन में, भारतीय संविधान में अब तक 100 से ज्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं, लेकिन पहला जो संविधान संशोधन था वो 1951 में हुआ था, और 9वीं अनुसूची जोड़ने के क्रम में पहली अनुसूची है, ठीक है। तो हम यहाँ एक लिखेंगे कि जोड़ने के क्रम में पहली अनुसूची, इसलिए पहला संविधान संशोधन, और इधर आ रहा है एक, मतलब 1951, ठीक है। अब देखो 9वीं अनुसूची के बारे में आपको कुछ और खास चीजें बता देता हूं, 9वीं अनुसूची के विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब कि 9वीं अनुसूची जो है इसके विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें जो विषय लिख दिए गए हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तभी तो कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि जो आरक्षण विषय है इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जोर लगाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जो आरक्षण प्राप्त जो कैटेगरी है वो चाहती है कि इस आरक्षण विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दे, तो 9वीं अनुसूची में जो विषय चला जाता है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में इस 9वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें कुल 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में, कितने अधिनियम 284 अधिनियम है, ठीक। तो क्या इन 284 अधिनियमों पर किसी भी प्रकार में न्यायालय द्वारा, मतलब न्यायालय में किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए 11 जनवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि यदि ये विषय मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या मूल अधिकारों से संबंधित कोई बात होती है तो मूल अधिकारों के संबंध में इन विषयों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक।
अब ये बात हुई हमें नवीं अनुसूची की। नवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार है। कितने आदमी भूमि सुधार गए? 9 आदमी भूमि सुधार गए, ठीक है। कब जोड़ी? जोड़ने के क्रम में। पहली अनुसूची है, ठीक है, मतलब 8 मूल की जोड़ी तो हमने पहली है, जोड़ने के क्रम में तो पहली है, तो जोड़ने के क्रम में पहली है, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? इधर की एक नारा था 1951 में हुआ। नवी किस, यदि आपको पूछे किस अनुसूची में यदि विषय डाल दिया जाता है, किस अनुसूची के विषयों पर न्यायालय में चुनौती पेश नहीं की जा सकती, तो वो है नवी अनुसूची, ठीक है। नवी अनुसूची में वर्तमान में कितने अधिनियम है? तो वर्तमान में 284 अधिनियम है इसमें। लेकिन अब ये आपके नॉलेज के लिए है कि 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों का यदि ये अधिनियम या ये विषय उल्लंघन करते हैं तो इस आधार पर इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। ये नवी अनुसूची। फिर हम देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है कि दल बदल रोक अधिनियम। ये कब जोड़ी हमने? ये जोड़ी हमने 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा हमने 10वीं अनुसूची जोड़ी। देखो जैसे हमने याद किया था 7 सूची 8 भाषा, 9 आदमी भूमि सुधार गए, और 10 का याद कैसे करना है? देखो 10 मैंने ऐसे लिखा है, 10 दल, इधर भी दायरा तो सीक्वेंस बैठ सकता है। 10 दल, 7 सूची 8 भाषा, 9 आदमी भूमि सुधार गए, दल कितने? 10 दल, ठीक है। अब ये दल बदल था क्या? देखो राजनीतिक पार्टियों से जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव किसी और पार्टी से लड़ लेते हैं और उसके बाद शामिल किसी और पार्टी में हो जाते हैं। कुछ वर्षों पहले क्या था कि छोटे छोटे क्षेत्रीय दल ज्यादा बढ़ गए थे, वो चुनाव किसी और पार्टी से लड़ लेते, जिसका शामिल किसी और में हो जाते, ठीक है। तो इस प्रकार से रोक अधिनियम बनाया गया था कि आप दल बदल करना है तो आप चुनाव से पूर्व कीजिए, चुनाव के बाद आप दल बदल नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हो तो आपको जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 10 दल कितने हो गए? 10 दल। अब देखो जोड़ने के क्रम में कितनी दूसरी, तो आप इधर से देख सकते हो यहां दूसरा आ रहा है 2, ठीक है। जहां हमने 51 में छोड़ा 1 बढ़ा दे रहा है इधर, ठीक है। जोड़ने के क्रम में दूसरी हुई कब? ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 1985 मत याद रखा करो, आप सीधा 85 याद रखा करो, क्योंकि 1885 में ऐसे काम हो नहीं सकते क्योंकि उस टाइम संविधान लागू नहीं हुआ और 2085 अभी आया नहीं है, ठीक है। तो 52 85 पहला 51 में और दूसरा, ये जो पहली जोड़ी है 51 में और दूसरी मतलब 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। फिर देखो दोस्तों हम चलते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार आदि के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? पंचायतों के बारे में। अब देखो पंचायतों को यहां 29 विषय दिए गए। कितने विषय? 29 विषय। लेकिन जोड़ा कब गया इसे? जोड़ा गया था इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 आपको याद रखना है। 11वीं 12वीं भी लिख देता हूं ताकि साथ में याद करें। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के बारे में नगरीय प्रशासन या नगरपालिका का उल्लेख है। नगरीय प्रशासन या नगर पालिका के बारे में उल्लेख, ठीक है। अब इसको विषय कितने दिए गए? तो इसको दिए गए थे 18 विषय। जोड़ा कब गया? तो जोड़ा गया था इसे 76वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक। अब देखो याद करने में बड़ी आसान है, याद करने में आसान इसलिए 11वीं और 12वीं इन दोनों को आपको एक साथ याद करना है। 10 तक तो आपने याद कर ली, 11वीं 12वीं एक साथ याद करना है। ऐसे याद करना है कि एक तो पंचायत एक है नगर पालिका, ठीक, इन दोनों को याद रखना है। अब मैं रहता हूं गांव में, ठीक, तो मैं ये याद रखूंगा कि इन 11 और 12 दो स्थान है और दो स्थान पे एक में नगर पालिका आएगी एक में पंचायत आएगी, ठीक है। तो मैं गांव में रहता हूं तो मैं ये याद रखूंगा, मैं अपने गांव को प्रायोरिटी दूंगा, मतलब प्रमुखता दूंगा, मेरे गांव को मैं पहले लाऊंगा। तो मेरे गांव को मैं पहले लाऊंगा तो क्या होगा? पंचायत मतलब ग्राम पंचायत पहले आएगी। विषय कितने दूंगा? मैं अपने पास 29 विषय रखूंगा, ठीक। अब जोड़ा कब गया ये याद रखना है। तो देखो हमने दूसरी जोड़ी यहां 52वें, तीसरी में ये यहां 73 कर दूंगा, चौथी में यहां मैं क्या करूंगा जोड़ने के क्रम में, ये तीसरी है ये चौथी है, तो ये 3-4 तो याद रख लूंगा।
यहां मैं लास्ट में तो साथ साथ कर दूंगा, ठीक है, और कि मैं और पंचायत साथ रहेंगे, मैं और नगर पालिका साथ रहेंगे, तो साथ साथ कर दूंगा। और यहां जोड़ने के क्रम में तीसरी है, ये जोड़ने के क्रम में चौथी है, तो मैं चार कर दूंगा, और लास्ट में दोनों में मुझे याद रखना है, बाण में है दोनों में, लास्ट वाली में, ठीक। तो इस प्रकार हमें 12 अनुसूचियां याद हो जाएगी। चलो एक बार रिपीट करते हैं, पहली से लेके, पहले में मैं राज्य में नौकरी लगा तो पहले में मैं याद रखूंगा राज्य, दूसरा मैं देखूंगा नौकरी लगते ही मुझे क्या चाहिए, वेतन चाहिए, तो दूसरे में जब वेतन चाहिए तो मैं ये याद रखूंगा कि राज्य में नौकरी लगते ही मुझे क्या चाहिए, वेतन चाहिए, ठीक है। तीसरी में मैं देखूंगा वेतन के बाद मुझे शपथ लेनी पड़ेगी, काम समझना पड़ेगा, तो मैं शपथ लूंगा। चौथी में मैं राज्यसभा याद रखूंगा। पांचवी और छठवीं जो है ये दोनों मुझे साथ में याद रखनी है। पांचवी में अनुसूचित जाति जनजाति है, ठीक है, छठवीं में भी जाति को ही ट्रांसफर करना है, लेकिन किसके साथ, चार राज्यों के साथ, और चार राज्य कौन से होंगे, असम के आसमान में मेघ छाए, तो असम और मेघ से मेघालय, लेकिन मिजर कहां आई, त्रिपुरा में आई, तो मिजर से मिजोरम और त्रिपुरा याद रह जाएगा, ठीक। फिर मैंने याद किया सात सूची आठ भाषा, नौ आदमी भूमि सुधार गए और दस दल, ठीक है, तो मैं याद रखूंगा सात सूची, सात में तीन सूचियां, आठ भाषा, तो आठवीं में भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। आठवीं भाषाओं में हमने देखा मूल रूप से 14 थी, वर्तमान में 22 है, पंद्रहवीं हमने जोड़ी थी सिंधी, सोलहवीं सत्रहवीं अठारहवीं में हमने नमक याद रखा, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, इसके बाद 19 20 21 22 में हमने याद रखा मेथी खाके संकी होगी गुड्डी डोगरी, तो मेथी संथाली बोडो और डोगरी, ठीक है। नौ में मैंने याद रखा कि नौ आदमी भूमि सुधार गए, तो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार हो गया। दस दल, दल कितने, दस दल, तो दस में दल बदल हो जाएगा। 11 और 12 इसमें पंचायत नगर पालिका है, तो पंचायत में रहता हूं तो मैं पंचायत को पहले लाऊंगा, यदि कोई भाई नगरीय प्रशासन से नगर पालिका से संबंधित है तो नगर पालिका को ऐसे याद रख लेना कि मैं मतलब थोड़ा शाना हूं तो मैं बाद में आ जाऊंगा, भाई तो पहले आ जा, ठीक है। तो 11 में पंचायत और 12 में नगर पालिका, ये हमारी जो थी टोटल 12 अनुसूचियां हमने आज पढ़ी है, आज हमने याद की है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तथा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कोप को सब्सक्राइब कीजिए, तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट उपलब्ध करवा सके। आपकी जो अभी वर्तमान में भर्तियां चल रही है, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट चल रही है, राजस्थान पुलिस चल रही है, राजस्थान पटवारी के फॉर्म लगाए जाने अभी बाकी हैं, जो अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छा मैटर उपलब्ध करवा सके। हम आपकी सफलता के लिए हमेशा कटिबद्ध आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक।